एक बार की बात है, नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन अपनी सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। इच्छाधारी नागिन दयालु और बहुत होशियार थी, परंतु वहीं उसकी सौतेली बहन बहुत घमंडी और लालची थी। वह मन ही मन इच्छाधारी नागिन से जला करती थी, क्योंकि वह नागलोक की महारानी बनकर नागलोक पर राज करना चाहती थी। एक दिन नाग गुरु सभी नागलोक वासियों की एक सभा बुलाते हैं और कहते हैं, नागलोक वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं नागलोक को और नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं तुम सबसे यह जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी दोनों बेटियों में से किसे नागलोक की महारानी बनाऊँ। तभी एक नाग बोलता है, महाराज वैसे तो आपकी दोनों बेटियां बहुत होशियार हैं, लेकिन मेरे ख्याल से महाराज आपको अपनी बड़ी बेटी इच्छाधारी नागिन को नागलोक की रानी बनाना चाहिए। हाँ महाराज, नागराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, नागलोक की महारानी इच्छाधारी नागिन को ही होना चाहिए। वहीं पास में नागिन की सौतेली बहन छिपकर यह सब सुन रही होती है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यह सभी नागलोकवासी इच्छाधारी नागिन को नागलोक की महारानी बनाना चाहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नागलोक की महारानी तो मैं ही बनूंगी। नाग गुरु इच्छाधारी नागिन को नागलोक की महारानी बना देते हैं। बेटी, अब यह नागलोक तुम्हारा है, तुम इसकी हमेशा रक्षा करना। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इसी बीच एक दिन नागगुरु का स्वर्गवास हो जाता है। इच्छाधारी नागिन अपने परिवार में अकेली रह जाती है। उधर वह लालची नागिन चुड़ैल के पास आती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं नागलोक की महारानी बनना चाहती हूँ, तुम इसमें मेरी सहायता करो। यह सुनकर चुड़ैल कहती है, तुम्हें नागलोक की महारानी बनाने में मेरा क्या फायदा? चुड़ैल, मेरे नागलोक की महारानी बनते ही तुम नागलोक में ही मेरे साथ रह सकती हो, हम दोनों मिलकर नागलोक पर राज करेंगे। एक दिन इच्छाधारी नागिन नागलोक में घूमकर मुआयना कर रही होती है। तभी वह लालची नागिन और चुड़ैल वहां आती हैं। इच्छाधारी नागिन को देखते ही चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। चुड़ैल के अचानक हमले से नागिन संभल नहीं पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। चुड़ैल और लालची नागिन मिलकर इच्छाधारी नागिन को एक गुफा में बंद कर देती हैं। नागलोक वापस आकर लालची नागिन सभी नागलोक वासियों को इकट्ठा करती है और कहती है, सुनो नागलोक वासियों, नागलोक की महारानी इच्छाधारी नागिन एक वर्ष के लिए नागलोक से बाहर गई है, इसलिए नागलोक की महारानी अब मैं हूँ और यह चुड़ैल मेरी सेवक है, यह मेरे साथ ही रहेगी। यह कहकर लालची नागिन नागलोक पर अपना हुक्म चलाने लगती है और वहीं चुड़ैल भी लालची नागिन के राज में अपनी मनमानी करती है। चुड़ैल हर रोज एक नागलोकवासी को मारकर खा जाती थी। यह देखकर नागलोकवासी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी एक सांप तेजी से भागता हुआ नागलोकवासियों के पास आता है। सुनो नागलोकवासियों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ सांप, क्या बात है? भाइयों, उस सौतेली लालची नागिन ने हम सबसे झूठ कहा है, इच्छाधारी नागिन नागलोक में है। उस लालची नागिन ने चुड़ैल के साथ मिलकर इच्छाधारी नागिन को एक गुफा में कैद कर दिया है। चुड़ैल और लालची नागिन को इच्छाधारी नागिन को गुफा में बंद करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सांप की यह बात सुनकर सभी नागलोकवासी हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। भाइयों, उस लालची नागिन ने हमारे साथ धोखा किया है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, चलो चलकर उस लालची नागिन को सबक सिखाते हैं। सभी नागलोकवासी लाठी डंडों के साथ चुड़ैल और उस लालची नागिन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। नागलोकवासियों की मार से चुड़ैल और लालची नागिन दोनों वहीं मर जाती हैं। नागलोकवासी इच्छाधारी नागिन को गुफा से आजाद करा लेते हैं। इच्छाधारी नागिन सभी नागलोकवासियों का धन्यवाद करती है और फिर वह सभी हंसी खुशी नागलोक में रहने लगते हैं। भागो, अरे भागो भाई भागो, गांव वालों अपनी जान बचाकर भागो, वरना यह चुड़ैल हम सबको मार देगी। गांव वाले भागते भागते बहुत परेशान हो जाते। बहुत समय पहले की कहानी है, एक जंगल में बहुत पुरानी गुफा हुआ करती थी। उस गुफा में एक भयंकर लालची चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल के पास सोने के अंडे थे। चुड़ैल अपने उन सोने के अंडों की अच्छे से देखभाल करती थी। चुड़ैल के दो शैतान भी गुफा के बाहर रहकर चुड़ैल के अंडों की देखरेख करते थे। एक दिन रामू और हरिया जंगल से लकड़ियां काटकर बैलगाड़ी में रखकर उस जंगल से लौट रहे होते हैं। रामू और हरिया दोनों बहुत लालची थे, वह दोनों हमेशा अमीर बनने के सपने देखा करते थे। इसके लिए वह दोनों जंगल की हरी भरी लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचा करते थे। वहीं चलते चलते उस दिन अचानक से उनकी बैलगाड़ी खराब हो जाती है। यह देखकर हरिया और रामू बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे हरिया, यह बैलगाड़ी अचानक से कैसे खराब हो गई? जल्दी से इस बैलगाड़ी को ठीक कर, कुछ देर में शाम होने वाली है, हमें लकड़ियां लेकर यहाँ से निकलना होगा।
रामू और हरिया बैलगाड़ी को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु बैलगाड़ी का पहिया खराब हो जाने से उनकी बैलगाड़ी ठीक नहीं हो पाती है और तभी शाम हो जाती है। तब रामू और हरिया को पास में एक गुफा दिखाई देती है। अरे रामू, वह देखो, वहाँ एक गुफा दिख रही है, चलो चलकर कुछ देर आराम करते हैं। यह कहकर वह दोनों उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। वहाँ आकर वह देखते हैं कि एक चुड़ैल और कुछ शैतान गुफा में सोए हुए हैं और वहीं पास में उन्हें चुड़ैल के सुनहरे अंडे दिखते हैं। सुनहरे अंडों को देखकर रामू और हरिया दोनों हैरान हो जाते हैं और खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे हरिया, जरा धीरे बोल, अगर इस चुड़ैल ने हमें यहाँ देख लिया तो यह हमें जिंदा ही खा जाएगी। लगता है यह सुनहरे अंडे इस चुड़ैल के हैं। भाई मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चुड़ैल के इन सुनहरे अंडों को चुरा लें। यह अंडे बहुत ही कीमती हैं, इन्हें बेचकर तो हम दोनों मालामाल हो जाएंगे। इतना कहकर रामू और हरिया चुड़ैल के सुनहरे अंडों को उठा लेते हैं और उन्हें लेकर गुफा से निकल कर अपने घर ले आते हैं। उधर जब चुड़ैल नींद से जागती है तो उसे अपने अंडे कहीं नहीं दिखते। यह देखकर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कौन है, किसकी हिम्मत हुई, किसने मेरे अंडे को चुराने की कोशिश की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसने भी मेरे अंडों को चुराया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से देखती है कि गांव के दो लालची व्यक्ति रामू और हरिया उसके सुनहरे अंडे चुरा कर ले गए हैं। यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी समय गांव में आ जाती है। वहां आकर चुड़ैल अपने शैतानों के साथ गांव वालों पर हमला कर देती है। चुड़ैल और उसके शैतानों को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। भागो, अरे भागो भाई भागो, गांव वालों अपनी जान बचाकर भागो, वरना यह चुड़ैल हम सबको मार देगी। गांव वाले भागते भागते बहुत परेशान हो जाते हैं। चुड़ैल के शैतान कुछ गांव वालों को वहीं मार देते हैं और कुछ व्यक्तियों को चुड़ैल पेट पर उल्टा लटका देती है और कहती है, गांव वालों, अगर तुम लोगों ने मुझे मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम सबको मार दूंगी और तुम्हारे इस गांव को शमशान बना दूंगी। मैं कल फिर से यहां आऊंगी और अगर कल मुझे मेरे अंडे वापस नहीं मिले तो इस गांव को आग लगा दूंगी। यह कहकर चुड़ैल अपने शैतानों को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं साधु बाबा और बंटी गांव में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें गांव में पेड़ पर लटकते हुए इंसान दिख जाते हैं। यह देखकर साधु बाबा और बंटी हैरान हो जाते हैं। बंटी, यह देखकर तो मैं भी हैरान हूँ, आखिर यह सब कौन कर सकता है? तब यह कहकर साधु बाबा गांव वालों को पेड़ से नीचे उतारते हैं। तब गांव वाले साधु बाबा को सारी बात बताते हैं कि यह सब उनके साथ एक चुड़ैल और उसके शैतानों ने किया है। साधु बाबा, वह चुड़ैल अपने सुनहरे अंडे के बारे में बात कर रही थी। वह कह रही थी कि हमारे गांव में से किसी ने उसके अंडे चुराए हैं। वह चुड़ैल कल फिर से यहां आएगी, अगर हमने उसके अंडे उसे वापस नहीं किए तो वह हमारे गांव को जलाकर भस्म कर देगी। बाबा जी, अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए, हमने चुड़ैल के अंडे नहीं चुराए हैं। वहीं रामू और हरिया भी गांव वालों के साथ ही खड़े होते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर वह दोनों चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। तभी बंटी उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। बंटी को रामू और हरिया पर शक होता है, यह सोचकर वह उन दोनों का पीछा करता है। रामू और हरिया सुनहरे अंडों के पास आ जाते हैं। अरे हरिया, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, अगर गांव वालों को पता चला कि यह अंडे हमारे पास हैं, तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे और हम दोनों को उस चुड़ैल के हवाले कर देंगे। वहां खड़ा बंटी यह सब देख रहा होता है। बंटी तुरंत भागा भागा साधु बाबा के पास आता है और साधु बाबा को सारी बात बताता है। वहीं अगले दिन वह चुड़ैल फिर से गांव में आती है और अपने शैतानों के साथ गांव पर हमला करती है। तभी रामू और हरिया साधु बाबा के साथ चुड़ैल के उन सुनहरे अंडों को लेकर वहां आते हैं। चुड़ैल, तुम्हारे सुनहरे अंडे इन दोनों के पास हैं, तुम इन दोनों को क्षमा कर दो और अपने अंडों को लेकर यहां से चली जाओ। अपने अंडों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और गांव वालों से अपने अंडे वापस ले लेती है और कहती है, नहीं साधु, इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे को चुराने की? मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। शैतानों, खत्म कर दो इन दोनों लालची इंसानों को। यह सुनकर चुड़ैल के दोनों शैतान रामू और हरिया को मारने के लिए आते हैं। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से उन दोनों शैतानों को वहीं कैद कर लेते हैं। यह देखकर चुड़ैल साधु बाबा को मारने के लिए आती है। साधु बाबा चुड़ैल पर भी अपनी शक्तियों से हमला करते हैं और चुड़ैल को वहीं ढेर कर देते हैं। तभी उन दोनों सुनहरे अंडों में से एक रोशनी निकलती है और वे दोनों अंडे नागिन और नागराज में बदल जाते हैं। यह देखकर साधु बाबा और सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं।
तब नागिन और नागराज साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि उस लालची चुड़ैल ने उन दोनों को अब तक अंडा बनाकर कैद किए हुए था। तभी इतने में चुड़ैल को होश आ जाता है। नागिन और नागराज को देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है।